हेलो सर, मैं मोहम्मद अजीम। दोस्तों, आज की जो जॉब वीडियो है इसमें बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी के बारे में आप लोग को जॉब बताने वाला हूँ। और यहाँ पे एक नहीं, टोटल 24 से 25 मान के चलिए जॉब प्रोफाइल यहाँ पे आई हुई हैं। और ये बिग एमएनसी दोस्तों एक्सेंचर है। काफ़ी सारे लोगों का यही ड्रीम होता है कि यहाँ पे एक्सेंचर जैसी बिग कंपनी से हम स्टार्ट करें, एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस, इस तरीके की कंपनी से हम स्टार्ट करें ताकि हमारा ग्रोथ भी अच्छा हो और वहाँ पे अपनी स्किल को भी हम जो है फर्निश कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है। तो आप लोग को ये पता होगा कि जितनी भी बिग एमएनसीज कंपनी है यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है, तो आपके डोर स्टेप तक आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे 12th पास लोगों के लिए भी है और यहाँ पे ग्रेजुएट्स लोगों के लिए भी है, फ्रेशर्स लोगों के लिए भी है। तो आप में से जितने भी सारे व्यूवर्स आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सभी के लिए कोई ना कोई यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है। अब मैं आप लोगों को दो तीन प्रोफाइल यहाँ पे दिखाऊंगा, एप्लीकेशन प्रोसेस को भी दिखाऊंगा किस तरीके से सबमिट वगैरह करना है, वहाँ पे किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, अपना पासवर्ड बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को तीन ऐसे प्रोफाइल बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा यहाँ पे डिमांडिंग है और जहाँ पे जल्दी से यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी हो जा रही है। वैसे यहाँ पे 24 से 25 प्रोफाइल्स हैं, उसकी लिंक भी मैं आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में उसमें भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे पहला वाला जो लिंक है, पहला वाला जो मैं आप लोग को प्रोफाइल बताने वाला हूँ, एक IT सर्विस डेस्क का है, दूसरा वाला जो है एक क्वेरी मैनेजमेंट का है और तीसरा वाला एक HR का है। तो इस तरीके से मैं तीनों के बारे में बताऊंगा और एप्लीकेशन प्रोसेस को भी समझाऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना कोई भी पार्ट स्किप किए। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना, और आप लोग पहली बार चैनल में तो मेक श्योर नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना और बगल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि डेली अपडेट्स में आप लोग लाता रहता हूं। दोस्तों बिना किसी तरीके आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि हम जैसे स्टूडेंट्स और इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है करियर। करियर दोस्तों स्कूल और कॉलेजेस में बैठ के आप लोग को हासिल नहीं होता, ये आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज की इसकी जरूरत पड़ती है। और इस पॉइंट को फोकस में रखते हुए दोस्तों अनअकैडमी ने एक मेगा इवेंट यहाँ पे स्टार्ट किया है और वो है करियर असिस्ट समिट 2022 जो कि 12 जून को यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यहाँ पे स्पीकर जो हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, जो अपना यहाँ पे नॉलेज देंगे, जो कि यहाँ पे वोडाफोन की तरफ से हैं, ACC सीमेंट्स की तरफ से हैं, बजाज ऑटो फाइनेंस और हार्ले डेविडसन की तरफ से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को यहाँ पे मास्टर क्लास, वर्कशॉप्स और सॉफ्ट स्किल सेशंस भी मिलते हैं। वर्कशॉप्स और मास्टर क्लास के लिए आप लोग को यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आप लोग अपने प्रोफाइल में लगा सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स में दोस्तों आप लोग को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें बताई जाती हैं और किस तरीके से आप अपने करियर में लैडर को ग्रो कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग के लिए यहाँ पे कई सारे यहाँ पे प्राइजेस भी रखे गए हैं। तो पूरे दिन के दौरान आप लोग को यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पे लिंक्डइन प्रीमियम मेंबरशिप आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा 6 मंथ्स के लिए, जो कि वर्थ 9,000 रुपीज़ का है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग को पूरे दिन के दौरान आप लोग को 25% डिस्काउंट भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट देते हो जिसको क्वालिफाई करते हो, तो आप लोग को ये कोर्सेज पे आप लोग को 25% डिस्काउंट भी मिलता है एज ए स्कॉलरशिप। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी हैं जो आप लोग को इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में मिलते हैं और फंडामेंटल कोर्सेज के बारे में भी आप लोग को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों ये 10 बजे से लेकर सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक ये रहेगा पूरे दौरान। और आप लोग को यहाँ जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हो और जो है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, सभी लोगों के लिए आप लोग के लिए यहाँ पे पूरा सेशन रखा गया है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। सुबह आप देख सकते हो 10 बजे से लेकर आपको शाम के 7 बजे तक यहाँ पे पूरा सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू वेलकम एड्रेस रहता है, फिर उसके बाद आप लोग को एजुकेटर से मीट कराना होता है, लिंक्डइन के बारे में बताते हैं और भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे सारे टॉपिक दिए गए हैं, पूरा शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पे रहने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पूरा दिया गया शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें दोस्तों आप लोग को जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप लोग जो है सीधे तौर पर बात कर सकते हो और उनसे अपनी डाउट्स भी यहाँ पे पूछ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर ये वाला कोड यूज़ करते हो जो बगल में दिया गया है, तो इससे आप लोग को इनके कोर्सेज पे आप लोग को हैवी डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप लोग इनके कोर्सेज के बारे में और भी जानकारी चाहते हो, दोस्तों नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसमें टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर आप लोग कॉल करोगे तो वहाँ से आप लोग को रिवर्ट बैक आता है और वहाँ से आप लोग को पूरी जानकारी दे दी जाती है। दोस्तों जल्दी जाओ इस मेगा इवेंट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, उस पर जाके वहाँ पे रजिस्टर कर लो और इसको सारे के सारे सेशंस को अटेंड कर लो। अब दोस्तों पहली वाली जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यू एसोसिएट क्वेरी मैनेजमेंट का है जो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल खोला हुआ है, उसका भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके के पेज पर आप लोग पहुँच जाओगे। चाहे आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, सिंपली आप लोग अपने क्रोम में डेस्कटॉप वर्जन मोड को आप लोग ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी मैनेजमेंट का यहाँ पे न्यू एसोसिएट है, जहाँ भी ये न्यू एसोसिएट आता है नाम, इसका मतलब न्यू ज्वाइनिंग होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं, चाहे 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट्स
सभी के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू एसोसिएट डेजिग्नेशन आप लोग को दिया जाएगा जैसे ही ज्वाइन होगे, और जॉब लोकेशन बेंगलुरु है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आप लोग को वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे मिलेगा, आप लोग अपने कंसर्न वहाँ पे रख सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो, और जो लोग बेंगलोर में है वो लोग तो डायरेक्ट वहाँ पे ऑफिस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को वर्क फ्रॉम होम अगर लेना है तो आपको सिलेक्शन से पहले आप लोग को वहाँ पे बताना पड़ेगा और आपके कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो आपको ऑफिस भी जाना पड़ेगा अगर वो वहाँ पे बुलाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे दोस्तों, मिनिमम यहाँ पे 12th पास आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप लोग 12th पास हो, अच्छे मार्क्स वगैरह हैं आपके, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनी ग्रेजुएशन और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे सर्विस डेस्क वॉइस यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग को यहाँ पे करना क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पे इंटरनली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके, जो भी कस्टमर एक एज अ कस्टमर सर्विस वाला यहाँ पे काम रहता है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके प्रोडक्ट्स में, जो भी एंड कस्टमर्स होते हैं उनसे आप लोग यहाँ पे वॉइस पे कॉल करनी होती है, चैट पे भी बात करना होता है, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका रिजोल्यूशन आप लोग को देना होता है। अब इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दोस्तों एक्सेंचर खुद वहाँ पे दे देता है। जब आप लोग शुरू में वहाँ पे ज्वाइन होते हो तो आप लोग को एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोला है कि आपको अलाइन किया जाएगा कस्टमर सपोर्ट वर्टिकल से, और आपको मैनेज रिजॉल्व करना होता है कस्टमर्स की क्वेरीज को, हैंडलिंग एस्केलेशंस वगैरह कुछ होते हैं, कोई कंप्लेंट्स आते हैं, कोई कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है, उसको बेस्ट रिजोल्यूशंस देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग की इसमें रहने वाली हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या किस कैंडिडेट्स को ये लोग पूछ रहे हैं, तो ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट जो अंडर प्रेशर भी यहाँ पे काम कर सके, ठीक है, जो थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल भी कर सकता है और वहाँ पे अंडर प्रेशर काम कर ले अच्छे तरीके से, और स्ट्रांग क्लाइंट रिलेशनशिप वहाँ पे बना सके, ठीक है। तो अच्छी तरीके से बात करना आना चाहिए आपको, टीम में काम करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट्स है, कोई भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर है उसको किस तरीके से मनाना है, किस तरीके से बात करनी है, वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड ऑफ द डे आप लोग को डायरेक्ट सुपरवाइजर से भी आप लोग को रिपोर्ट करना होता है, टीम से भी बात करनी होती है, मेल वगैरह भी करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने का प्रोसेस बाद में देख लेंगे। यहाँ पे जो सैलरी है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 20,000 से 25,000 तक यहाँ पे रहने वाली है पर मंथ, ठीक है। दूसरी प्रोफाइल दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये है न्यू एसोसिएट आईटी हेल्प डेस्क। ये आईटी हेल्प डेस्क है दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और यहाँ पे सिंपली आप लोग को डायरेक्ट कस्टमर से बात करने की जरूरत नहीं है, इंटरनली जो भी एक्सेंचर के एम्प्लॉइज होते हैं वहाँ पे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी सर्विस टिकट रेज होता है वो उसमें आप लोग को एक टूल दे दिया जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उनके सॉफ्टवेयर टूल में या फिर उनके हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप लोग को सर्विस टिकट्स के दौरान उसको रिजॉल्व करना होता है। कुछ ETA होते हैं, कुछ SLA होते हैं, टाइम होते हैं, उस टाइम दौरान अंदर आप लोग को वो करना होता है, या फिर आप उसको एस्केलेट भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम किसी भी ईयर से पास आउट हुए कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हैदराबाद जॉब लोकेशन है, लेकिन आप लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम को ऑप्ट कर सकते हो, आप लोग अपना कंसर्न बता सकते हो ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे आप लोग का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्टिकल आप लोग को वही चीज़ रिस्पॉन्स करना रहता है, रिजॉल्व करना होता है थोड़ा टेक्निकल वे में, ठीक है। अब नीचे अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है कि अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्विक लर्निंग आप लोग के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और ये टीम में किस तरीके से काम करते हैं वो चीज़ आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैलरी रहेगी दोस्तों, थोड़ा सा ये ज़्यादा रहेगी पिछले वाले जॉब प्रोफाइल से, तो आप लोग 25,000 से 30,000 तक यहाँ मान के चलिए पर मंथ यहाँ पे आपकी रहेगी, ठीक है। तीसरा प्रोफाइल है दोस्तों HR ऑपरेशंस, काफी सिंपल चीज होता है, अगर आप लोगों ने अगर MBA कर रखा है HR में, या फिर आप लोगों ने BBA भी कर रखा है ग्रेजुएशन वगैरह HR की फील्ड में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वैसे कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे, कोई भी फील्ड का ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू एसोसिएट रहेगा, मुंबई जॉब लोकेशन दी गई है, आप लोग वर्क फ्रॉम होम इसमें ऑप्ट कर सकते हो सिलेक्शन से पहले, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका कोई भी रहे या फिर न रहे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग को अगर मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें जॉब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, तो इन्होंने बोला है कि ह्यूमन रिसोर्स वर्टिकल के साथ आप लोगों को अलाइन कर दिया जाएगा, उसमें फंक्शन जो होता है लोगों से किस तरीके से बात करना है, रिक्रूटमेंट करना है, लर्निंग करना है, ट्रेनिंग और किस तरीके से देनी है, ऑनबोर्डिंग कैसे करना है न्यू एम्प्लॉइज को, कंपनसेशन वगैरह उनके सैलरी को, बेनिफिट्स को, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखना है किसी एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई कल्चर और प्रोग्राम कराना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैंडल करनी है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, और इन्होंने अगेन वही सारी चीज़ें
बोली है कि टीम में अच्छा आपको वर्क करना होता है, आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए और सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दी गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम पहले वाले पे जॉब पर जाते हैं वापस क्यूरी मैनेजमेंट पर और यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है ब्लैक बटन है अप्लाई नाउ पर, इस पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ई मेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग को यहाँ पर नीचे आना, स्टार्ट योर एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करना, स्टार्ट एप्लीकेशन पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने पर आप लोग को एक क्रिएट या प्रोफाइल आपको अपना यहाँ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अपना एप्लीकेशन आप लोग डेस्कटॉप या फिर मोबाइल दोनों से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अपना ई मेल वगैरह यहाँ पर वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए अपना ई मेल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, उसमें एक वेरीफिकेशन कोड आता है, वेरीफिकेशन कोड को यहाँ पर फिल करना है, वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री रीजन यहाँ पे करके यहाँ पे क्रिएट करना होता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो स्टेप होता है, यहाँ पे एक फोन नंबर मांगेगा आपसे और फोन नंबर पे आपको एक टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल आएगी, उसको आप लोगों को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद सिंपली आप लोगों को दोस्तों जो है लॉग इन करना होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग लॉग इन करोगे इस तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको आप लोग येस कर लोगे और सिंपली आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, क्रिएट प्रोफाइल मैंने बना लिया था। अगर आप लोग पहले देखोगे तो यहाँ पर रिज्यूम अपलोड मांग रहा है, तो आप लोग यहाँ पर जाकर सबसे पहले रिज्यूम को अपलोड करोगे। रिज्यूम को किस तरीके से बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे अपलोड करना है नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो उसमें ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उस पर जाके अपने उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्किल लिख देना और जिसको अच्छे तरीके से अपलोड कर देना। अब दोस्तों मैंने रिज्यूम यहाँ पे अपना अटैच कर दिया ब्राउज करके, अब इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने का यहाँ पे प्रोसेस होता है, तो आप लोग सिंपली इसको छोटा साइज रखिएगा, जल्दी से अपलोड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भी आप लोग यहाँ पे मांगा गया है, आपको अपना यहाँ पे नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेलेक्ट जेंडर यहाँ पे कर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली रहेगा, कभी आपने पहले किया है तो येस और नो कर सकते हैं, पिन कोड डालना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है, अपना लैंडलाइन नंबर यहाँ पे डालना है या फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के इसको नेक्स्ट कर देना होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ पे देख सकते हो एडवांस डिटेल, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो मैरिटल स्टेटस जो भी है, फादर्स का नेम लिखना है यहाँ पे, कंट्री नेम आप लोग को यहाँ पे लिखना है, स्टेट अपना जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी जो भी है जैसे इंडियन हो तो इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सिटीजनशिप आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो इसका मतलब बाहर के भी कंट्रीज के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस पीरियड अगर आप लोग कहीं ऑलरेडी कहीं वर्किंग कर रहे हो तो नोटिस पीरियड यहाँ पे लिख सकते हो, कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिख सकते हो, करंट एनुअल सैलरी कितनी है वो लिख सकते हो यहाँ पे, कोई ये ऑप्शनल इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पासपोर्ट नंबर ये भी ऑप्शनल है, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, बिल्कुल फ्रेशर हो तो यहाँ पे फ्रेशर क्लिक कर दोगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कर सकते हो, जो भी है तो यहाँ पे इस तरीके से एनी ग्रेजुएशन कर दिया मैंने, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन किसमें है, जिसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया उसको लिख दोगे, पैन अगर है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, वैसे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों किस कॉलेज से आप लोग यहाँ पे पास आउट हो तो आप लोग यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख दोगे, और आप कैसे इस बारे में जाने इस जॉब के बारे में तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं भी जैसे लोड मोर करोगे तो यहाँ पे आप लोग जॉब पोर्टल आएगा, लिंक्डइन आएगा या फिर यहाँ पे यूट्यूब भी आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे सर्च करके यूट्यूब या सोशल मीडिया पे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नो करोगे और यहाँ पे लास्ट में चेक मार्क लगा के यहाँ पे आई एग्री करोगे और अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कर दोगे। अब ये दोस्तों ये जैसे आप लोग एडमिट करते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोग को जो है मेल चला जाता है इनके रिक्रूटर को, और आपको लगभग 1 वीक के अंदर आपको मेल आ जाती है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है दोस्तों उस प्रोफाइल के लिए तो आप लोग के लिए मेल पे एक इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है, और इंटरव्यू में सिंपली दोस्तों आप लोग से कम्युनिकेशन वगैरह पूछी जाती है और उस जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आप लोग से जो है जानकारी ली जाती है। जैसे एचआर अगर आपने अप्लाई किया तो एचआर के बारे में थोड़ी सी आप लोग की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप लोग पहले से पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि एचआर से या फिर आईटी सर्विस डेस्क से या फिर इस तरीके के कस्टमर सपोर्ट सर्विस से आप लोग को कोई फ्री कोर्स मिल जाए और फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाए, तो ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें 1000 से भी ज़्यादा फ्री कोर्सेस हैं ग्रेट लर्निंग की तरफ से, और उसमें फ्री कोर्सेस के साथ फ्री सर्टिफिकेट भी है, तो उसको जरूर देख लेना, यहाँ पे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों सारी की सारी जानकारी मैंने दे दी है, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर क्लिक कर लो, और उसको कोई भी दिक्कत है किसी और कंपनी में आपने अप्लाई किया, रिवर्ट बैक आया नहीं आया, सेलेक्ट हुए, जरूर से जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना, अगर आप लोग पहली बार चैनल में तो मेक श्योर नीचे लाल सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, बगल नोटिफिकेशन बेल इसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे डेली अपडेट्स मैं आप लोग लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।